तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए नीमच शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से लगभग 170 यात्रियों का जत्था 11 जुलाई सोमवार को प्रातः 9 बजे स्थानीय दशहरा मैदान से 3 बसों के द्वारा रवाना हुआ। देखें रिपोर्ट। यात्रा के आयोजक अंकित शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गए थे और अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अमरनाथ से आ रही जानकारियों के अनुसार अब फिर से अगले 2 दिनों में यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर नीमच से 170 यात्रियों का जत्था बसों के माध्यम से अमरनाथ के लिए रवाना किया गया है। ये यात्रा नाडौल, आशापुरा, माताजी, रामदेवरा, खाटू श्याम जी, सालसर, पुष्कर, बाघा बॉर्डर, वैष्णो देवी, अमरनाथ जी पहुँचेगी। बसें हैं हमारे पास में मल्टी एक्सल, इसमें करीब 170 यात्री जो है अमरनाथ जी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये हमारी यात्रा जो है यहाँ से नाडोल, आशापुरा, माताजी और रामदेवरा, खाटू श्याम जी, सालासर, पुष्कर और अमृतसर, वाघा बॉर्डर, अमरनाथ जी, वैष्णो देवी, पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जी वगैरह, यात्री का स्वयं का विवेक है कि पहलगाम से जाना चाहे, बाटल से जाना चाहे, इस वजह से यात्रा करनी है। उधर से जैसी पता चला, जैसे प्राप्त जानकारी थी, उस हिसाब से अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने आज सुबह 5 बजे से यात्रा पहलगाम मार्ग से चालू कर दी है। बाटल पर भी विचार चल रहा है और हमारे पास जितने भी यात्री हैं अधिकतम सभी जो हैं वो पहलगाम मार्ग से ही जाने वाले हैं, सभी उधर ही जाने से इच्छुक हैं और भारतीय सेना है इसे सबकी देखभाल के लिए और बाकी बाबा बर्फानी है। ये रहा तक अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।